नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनमत की पुकार में। सुल्तानपुरी किराना स्टोर डकैती कांड में नाबालिग सहित 8 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके कब्जे से चाकू भी बरामद हुआ। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में एक किराना स्टोर से 70-80 हजार रुपए की डकैती के 8 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना में 3 आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल किए गए 2 बटन वाले चाकू भी बरामद किए हैं। आउटर डीसीपी जिम्मी चिराम ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 11 जनवरी को सुल्तानपुरी थाने में एक PCR कॉल आई थी, जिसमें सुल्तानपुरी में स्थित जनरल स्टोर से लगभग 70-80 हजार रुपए की डकैती की सूचना मिली थी। इस मामले की जांच असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजवीर को सौंपी गई थी। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर सुल्तानपुरी थाने में FIR दर्ज की गई, जिसके बाद एक टीम का गठन किया गया। सुल्तानपुरी थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजवीर, हेड कांस्टेबल हरपाल सेवाराम, कांस्टेबल रामचंद्र और कांस्टेबल संदीप की एक टीम का गठन किया गया, जिसे जल्द से जल्द मामले को सुलझाने और अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा गया। जांच के दौरान कई CCTV फुटेज का विश्लेषण किया गया, ताकि घटना या आरोपियों के बारे में उपयोगी जानकारी मिल सके। स्थानीय और तकनीकी सूचना के आधार पर टीम ने 5 आरोपियों और 3 नाबालिग आरोपियों की पहचान की और उनके संभावित ठिकानों पर कई छापेमारी की गई। गुप्त सूचना के आधार पर सुल्तानपुरी थाने के कर्मचारियों ने सभी आरोपियों को पकड़ लिया। तीनों नाबालिग आरोपियों को ऑब्जर्वेशन होम भेज दिया गया। आरोपियों के इशारे पर 2 बटन वाले चाकू भी बरामद किए गए। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।